these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ड्रग लाइसेंस के बारे में। आखिर ये ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, एक ड्रग लाइसेंस को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूं, मैं खुद एक मेडिकल स्टोर का संचालक हूं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा खुद की फार्मेसी है, खुद का मेडिकल स्टोर है। मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें बनवाई हैं, तो मैं आपको एक एक चीज़ें, एक एक महीन से महीन चीज़ें आपको बड़े ही आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाई स्कूल में नाम कुछ और मेंशन होता है, आधार कार्ड में नाम कुछ और होता है, पैन कार्ड में कुछ और होता है, या फिर माता पिता के नाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है, फिर गड़बड़ी होती है। तो आप सबसे पहले वो चीज़ ठीक करा लें, क्योंकि अगर आपके नाम में कहीं भी अंतर रहेगा तो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए आपका आधार कार्ड, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, पैन कार्ड, सब में सारे डॉक्यूमेंट, सारे नाम एक ही होने चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो दो संभावनाएं होती हैं, या तो आप एक फार्मासिस्ट होंगे या तो आप एक फार्मासिस्ट नहीं होंगे। इस वीडियो में मैं दोनों प्रकार की संभावनाओं पर बात करूंगा। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपका डीएल कैसे बनेगा, अगर आप एक फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपका डीएल कैसे बनेगा, आपका ड्रग लाइसेंस कैसे बनेगा। आइए पहले समझते हैं कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपको ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें डीएल बनवाने के लिए दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है आपके पर्सनल या फिर व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा होता है आपके शॉप के डॉक्यूमेंट्स। शुरुआत करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट से। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपके पासपोर्ट साइज़ की 5 रंगीन फ़ोटो लगेंगी, उसके अलावा आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, आपका इंटर का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन यानी कि आपका डी फार्मा या फिर बी फार्मा का मार्कशीट, 4 साल का मार्कशीट अगर आप बी फार्मा हैं, 2 साल का मार्कशीट अगर आप डी फार्मा हैं, इसके बाद आपकी डिग्री, आपका ग्रीन कार्ड, इसके बाद आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 3-3 फोटोकॉपी, और वो सारे फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपके उस पर साइन होने चाहिए। तो ये हो गया आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब आइए समझ लेते हैं आपके दुकान के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दुकान के डॉक्यूमेंट में सबसे पहला लगेगा आपके दुकान की फ़ोटो, जिसमें रैक, काउंटर और फ्रिज एकदम स्पष्ट दिख रहा हो। रैक, काउंटर और फ्रिज, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रैक काउंटर में दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, रैक काउंटर खाली होना चाहिए। इसके बाद आपका, अगर दुकान आपकी रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट कम से कम 5 साल का यानी कि 60 महीने का होना ही होना चाहिए। इसके बाद एक और एग्रीमेंट, एक और एफिडेविट लगेगा, जिसमें आपके 5 साल के किराए का 10%, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका 1 महीने का किराया है 3,000 रुपये, तो 5 साल किराया यानी कि 60 महीने किराया हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये का अगर आप 10% निकालेंगे तो वो आपका आएगा 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये का आपको कचहरी से एक एफिडेविट खरीदना है, जो कि आपको DI साहब के पास चला जाएगा। इसके बाद आपका बिजली का बिल होना चाहिए। अगर आपके पास बिजली का बिल नहीं है तो आप सौर ऊर्जा का बिल या फिर जनरेटर का बिल भी दिखा सकते हैं, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपके दुकान में फ्रिज होनी चाहिए और फ्रिज की रसीद भी होनी चाहिए। अगर फ्रिज आपके नाम से नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिज की रसीद एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके दुकान का ब्लूप्रिंट लगता है। ब्लूप्रिंट वो चीज़ होती है जो आपके दुकान के नक्शे को निर्धारित करती है, जैसे कि आपके दुकान के सामने क्या है, आपके दुकान के पीछे क्या है, आपके दुकान के दाएं साइड में कौन चीज़ है, बाएं साइड में क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक ब्लूप्रिंट में कवर होती हैं। तो ब्लूप्रिंट आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद सबसे आखिरी डॉक्यूमेंट लगता है आपके जो ऑनर हैं, उनका आपको ऑनरशिप दिखानी पड़ेगी कि आपने जहाँ से, जिसके यहाँ से आपने रेंट लिया है, क्या वो उसके असली ऑनर हैं या नहीं है। इसके लिए आपको उस जगह की खतौनी या फिर कोई ऐसे कागजात दिखाने पड़ेंगे जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये जो आपके मकान मालिक हैं, ये उन्हीं के नाम से ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो मेडिकल स्टोर होना चाहिए, उसकी जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो कम से कम 150 स्क्वायर फीट
होने ही चाहिए। तो मैंने आपको ये दो डॉक्यूमेंट बताए, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और आपके दुकान के डॉक्यूमेंट, इन सभी कागज़ों के कम से कम तीन तीन फोटोकॉपीज आपके सेल्फ अटेस्टेड होने ही चाहिए। अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फिल करने हैं। ऑनलाइन एक साइट होती है FDA यानी कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस साइट पर आपको जाना है। और अगर आप जानकार हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद ही फिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल आपको राय है कि आप खुद से फिल ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको लगाने पड़ेंगे और वो आपको उस रिजर्वेशन में नहीं मिल पाएगा तो आप फंस जाएंगे। इससे सबसे बेहतर चीज़ क्या होगी कि आप अपने शहर के किसी अच्छे साइबर कैफे पहुँच जाएँ और उनसे बोलें कि भैया मुझे मेडिकल स्टोर के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, आप प्लीज़ बताएं कैसे होगा। वो आपके फॉर्म को भर देंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इस तरीके से आप ये आज जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देने हैं। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है ड्रग लाइसेंस के लिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जो आपके शॉप के डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि आपका फ़ोटो, आपका रेंट एग्रीमेंट, आपका ब्लूप्रिंट, आपका फ्रिज की रसीद, आपका इलेक्ट्रिसिटी रसीद, आपका जो है मकान मालिक का जो है ऑनरशिप, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन आपके जो जो है आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। जैसे कि आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट रहेगा वो तो रहेगा ही, आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका जो है हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ये तो आपका रहेगा ही। साथ ही साथ आपका जो फार्मासिस्ट होगा उस फार्मासिस्ट के भी ये डॉक्यूमेंट, जैसे कि उसका फ़ोटो, उसका आधार कार्ड, उसका हाई स्कूल का मार्कशीट, उसका इंटर का मार्कशीट, उसके फार्मेसी का मार्कशीट और उसका ग्रीन कार्ड और उसके साथ ही साथ उसकी डिग्री, ये सारी चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप जो मैंने बताया था वो, और अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो उसमें तीन डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आपका, एक आपके फार्मासिस्ट का और एक आपके शॉप का। जब ये आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि जो आपके शहर के ड्रग इंस्पेक्टर होंगे उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि मेरे जिले के इस एरिया से एक व्यक्ति है जिसने आवेदन किया है मेडिकल स्टोर के लिए। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ जाएंगे और अब क्या होगा कि आपके पास उनके यहाँ से आपके पास कॉल आएगी कि आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए। अगर कॉल नहीं आती है तो आप 6-7 दिन के अंदर खुद पहुँच जाएँ DI ऑफिस और जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो आपके व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स थे, जो आपके कागज़ डॉक्यूमेंट थे, उनको आपको जा करके वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आप DI ऑफिस पहुँचेंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके DI साहब वेरीफाई करेंगे। हो सकता है वो तुरंत ही वेरीफाई कर दें या हो सकता है कि आपसे 2-3 दिन का समय लें। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई हो गए हैं तो उसके बाद अगला स्टेप होगा आपके लोकेशन वेरीफाई हो। जो आपने लोकेशन डाला है, जो आपने एरिया एड्रेस डाला है, वो सारी चीज़ें सही हैं या फिर फर्जी हैं, इसको भी DI साहब खुद जा करके वेरीफाई करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें सही होती हैं, आपका डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, आपके लोकेशन का वेरीफाई करते हैं वो सही रहता है, तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स खुद ही ऑनलाइन जिस साइट से आपने अप्लाई किया था उस साइट पर आ जाएंगे। आप उस साइट से अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये होता है एक तरीका जिससे आपका ड्रग लाइसेंस बन जाता है। ये एक पूरा प्रोसीजर था जो कि आपको एक ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना होगा। एक चीज़ और होती है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आखिर इसमें पैसा कितना लगता है। तो दोस्तों, इसकी जो सरकारी फ़ीस होती है वो होती है 3500 रुपये। 3500 रुपये आपको ऑनलाइन कटवाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग पूछते हैं कि भाई साहब घूस कितना लगेगा, कितने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो दोस्तों देखिए, बात सही है हर जगह पर, जहाँ पर सही है वहाँ पर गलत है, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ बुराई तो है ही, लेकिन मैं आपको एज इस तरीके से ऑन एयर अब बता नहीं सकता हूँ कि कैसे कितने घूस लगेंगे, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके शहर के DI के ऊपर। आपके शहर के DI ईमानदार व्यक्ति हैं, फिर घूसखोर व्यक्ति हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आप मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, मैं आपको फोन पर बता दूंगा कि आप वैसे जो है जनरली कितने पैसे एक DL को बनवाने के लिए लग जाते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।